मत्स्य पालन विभाग द्वारा किसान परिवारों की आय बढ़ाने को लेकर कार्य को किया जा रहा है। निजी तालाबों में मत्स्य पालन करने के लिए सरकार योजना चला रही है, तो वहीं सरकारी तालाबों पर मत्स्य पालन द्वारा योजना के आधार पर किसान परिवारों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। कालचौड़ स्थित मत्स्य पालन विभाग के मंडलीय कार्यालय पर मौजूद रही डिप्टी डायरेक्टर सुचेता गुप्ता द्वारा बताया गया कि इन दिनों मत्स्य पालन विभाग द्वारा किसान परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के साथ साथ मंडल मुरादाबाद के अन्य जनपदों में हैचरी के माध्यम से किसान परिवार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए मत्स्य पालन विभाग की मंडलीय अधिकारी सुचेता गुप्ता द्वारा कहा गया, मत्स्य विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पिछले वर्ष से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वर्ष आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन पैसा इस वर्ष रिलीज़ हो गया है। अगस्त माह में रिलीज़ हो गया है पैसा, जिसमें हम लोग निजी भूमि पर तालाब निर्माण, रेयरिंग यूनिट, हैचरी, बायोफ्लॉक और RES फीड मिल, साइकिल इत्यादि मदों में पैसा मिल गया है और लगभग कंस्ट्रक्शन वर्क में 60% काम पूरा हो गया है और शेष भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हम लोगों को पैसा कहाँ चल रहा है ये कार्यक्रम तो पूरे मंडल में है, सभी पांचों जनपद में चल रहा है। RES और फीड मिल का काम विशेष तौर पर बिजनौर में है। आने वाले दिनों में क्या बदलाव, आने वाले समय में बहुत क्रांति होने वाली है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेडिशनल वर्क करते थे, उससे हट के हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे RES है, बायोफ्लॉक है, ये इनकी यूनिट कॉस्ट बहुत है, 50 लाख है, 25 लाख है, और नई तकनीक का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा क्षेत्र को सीमित कम टैंक में सीमित कर दिया गया है, कम क्षेत्र पर हम लोग ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। हम लोगों को मार्केट पे भी विशेष तौर से बहुत बल दिया जा रहा है।